Oh, nice view! Ashuji. Hey guys, welcome to Zangal Vlog. Today is 18th of May. नहीं 19th है, रुको, मैं हमेशा डेट से गड़बड़ करती हूँ मैं यार, मेरा क्या होगा, 19th May आज. आशुचे मतलब ये क्या है, मैं आपको गुजराती भी सिखाऊंगी अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी सारा वर्ड सीखा है यार गुजराती में. एनीवे, सो दिस इज टमाटर. मैं अभी टमाटर छोटे छोटे टमाटर, देखो छोटे छोटे टमाटर हमारे इस पैर के अंदर अंदर तक है. जैसे कि ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो ये क्या होगा, पक जाएगा. इस ये जुड़वा है, देखो गाइस का दिख रहा है तो. हाँ, मेरे बालों पे कमेंट मत करना क्योंकि इसका हालत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है. मेरे को अभी ठीक भी नहीं कराना अपना बाल, मतलब रहने तो जैसा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है. मैं तो लॉकडाउन है ना गाइस, देखो दरवाज़ा रास्ता वास्ता सब खाली है. एनीवे, ये हमारा यहाँ पे एक छोटा सा ना वो प्लांट है, कैन यू सी, यहाँ पे छोटा सा हाइबिस्कस, वो क्या फिर ना, मैं अभी लाल टमाटर ढूंढ रही हूँ एक्चुअली, अंदर जितना अंदर हो सकता है ढूंढ रही हूँ. यहाँ पे थोड़ा कच्चा जैसा कि है, दिख रहा होगा यहाँ पे कच्चा है, यहाँ कच्चा बहुत है. और मेरा ये काम है, जब भी मैं फ़ोन करते बाहर आती हूँ ना, तो मैं ऐसे कलेक्ट करती हूँ मतलब, और फिर कलेक्ट करके लेके जाती हूँ अंदर धो के. फिर अभी मेरे को यहाँ पे भी मिला, ये एक मिला, ये भी है काफ़ी, मतलब इतना ज़्यादा लाल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा लाल होने से भी चलता है. इन लोगों को देखो, ये मुर्गा है और दो मुर्गी, ये मुर्गा उन दोनों के पीछे भाग मतलब घूमते रहता है. और लेकिन पता है क्या करते हैं, सुबह यहाँ बैठे रहते हैं इस पेड़ के ऊपर, मतलब ये इनका ठिकाना बन गया. सन कितना क्यूट है देखो, अभी कितना बजा है पता है, शाम का लाइक 4-4 बजा, हाँ 15:58. इसका मतलब ये है कि 4:02 बाकी है बेटा. ये देखो मुर्गी, हमारे घर पे एक पोली आया था, मैंने सोचा था उसके साथ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पोली वीडियो बनाने के पहले ही फुर हो गया. ठीक है, बहुत बुरा लगा, पोली को हम बहुत प्यार करते थे. और आप ये सोच रहे हो कि पोली कौन होगा, राइट, पोली कौन है पता है, हमारी घर पे एक मुर्गी लाई थी मम्मी ने, मुर्गी, तो वो थी पोली. अभी पोली को ठंडा लगा एक दिन, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है यार, दिन रात बारिश ही होती रहती है. अभी देखो क्लाउड्स है ना, सन देखो कैसा है, मतलब पूरा क्लाउड्स है, दिख रहा है, तो क्लाउड्स है ना इसके वजह से, मतलब हाँ क्लाउड्स है ना इसकी वजह से, उसको मतलब उसको ना बारिश आई थी रात को, वो एक दिन भीग गया था पूरा अच्छे से, पूरा ठंड लगी उसको. फिर सुबह उठका वो झुम ऐसा आँखें बंद कर रहा था, हमें कोई वेटनरी डॉक्टर वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था, तो ऐसा करके फिर पोली, फिर नेक्स्ट सुबह को चल बसी यार पोली, हमने उसको पोली नाम दिया था, कितने प्यार करते थे हमें भाई. वो लोग मुझे देख रहे हैं बोलो मुझे ऐसे स्टेयर कर रहे थे, कैमरा में क्या कर रही है ये, तो मैंने ना ऐसे बोलो मुझे देख रहे ऐसे डायरेक्ट बोल दिया, तो फिर भी स्टेयर करे जा रही थी. ओ नाइस, अभी मैं अंदर जाऊंगी, मेरे बालों का कंडीशन इतना ख़राब है, मतलब गाइस फिर भी मैं ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ, मतलब कैसी ब्लॉगर है, सो नेचुरल ना, मेरे को इसलिए लोग ऐसे कमेंट करते कि आप इतनी नेचुरल वीडियोज बनाते हो, लिटरली इतना जंगली जैसे ऐसे फेस लेके आऊँगी, यहाँ पिम्पल दिखेगा ना, कोई ना हेयर कम करती है ना क्रीम लगाती है, कुछ नहीं करती है, ऐसे ही ब्लॉग पे आ जाती है. एनीवे, अभी इसको अंदर लेके जाके थोड़ा धुलाई करते हैं इसकी, इसकी धुलाई करके फिर मम्मी को दे देते हैं. और क्या, बाय बाय, मतलब चाहे कुछ भी हो, मतलब लॉकडाउन हो कुछ भी हो, लेकिन ये पार्सल वाले चाहते ही रहते हैं. हमारे घर पे क्या क्या प्लांट्स है आपको देखना है, ये कौन सा प्लांट है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा साइकिल पड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा सकती, खराब ही है वैसे ही. हमारे घर पे और क्या क्या प्लांट्स है, कटहल के भी पैर है हमारे घर पे, कटहल दो, ऐसा लगता है ये कि मतलब बिछड़े जन्म के दो प्रेमी मिल चुके हैं, जैसे बांध के रखा है, मतलब इतने ऐसे ऐसे भरे हुए दोनों, मतलब क्या प्लांट, ये भी एक प्लांट है, ये बाइक हमारी नहीं है, वो गैरेज की है, ठीक है, हमारी नहीं है.
मेरा ना ऐसा हुआ था कि मैं को ऑफलाइन फील्ड वर्क करना था, लेकिन कोविड हो गया ना, तो कोविड के सेकेंड वेव के लिए हम लोग का ऑनलाइन में ही चल रहा है, तो सब कुछ तो ऑनलाइन हुआ और क्या कहते हो, तो इसी वजह से ना कहीं जा तो नहीं पाए। पर मेरा एक गुड न्यूज़ है कि मुझे एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मिला और मैं एंटरप्रेन्योरशिप पर रही हूँ, तो मैं लकी इन टू केसेस। ठीक है, जब मेरा थर्ड सेमेस्टर का था उस टाइम हम लोग को सच में लिटरली हम लोग को लाइवलीहुड पढ़ाया जाता है, क्योंकि फोर डिवीजन कैसे कह सकते हैं, एमए, फिर सोशल वर्क, फिर ना मैं मानती हूँ कि हमें चार चीज़ें सिखाई जाती है। पहले सोशल वर्क दो सेमेस्टर से ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर थर्ड में आपका उसमें कॉम्बिनेशन होता है ऑब्वियसली, उसमें भी दिया जाता है लाइवलीहुड के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में भी। तो इस बार क्या हुआ, फोर्थ सेमेस्टर तो एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा पढ़ाते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो मेरे को EDII बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, माय फेवरेट प्लेस टू सिट, मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ आज। ठीक है, तो फिर EDII बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम, जो अहमदाबाद बेस्ड है एक्चुअली मेनली, लेकिन वो उसका एक सेंटर तो इधर गुवाहाटी में भी है, तो मुझे गुवाहाटी वाले से मिला एक्चुअली, गिफ्ट बोल के कुछ है। तो EDII का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज, कि एक फोटो तो लूंगी मैं इसके साथ। एनीवे, तो ऐसे झल्लीपंती कौन ही करता होगा, नहीं मैं ही करती हूँ, बस मैं, अंकिता हावर करती है ऐसा। एनीवे गाइज, तो क्या हुआ कि EDII एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका नाम, अहमदाबाद बेस्ड है, अहमदाबाद, हर जगह गुजरात 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 चलते रहते ज़िंदगी में आजकल, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता। सो मुझे मिला गिफ्ट, एक उसका कुछ ऐसा हो रहा है उसके साथ, तो गिफ्ट बोल के कुछ है उसमें भी हुआ, वो लोग भी मुझे देख रहे हैं, बाय बोल दो गाइस, आ गए, कहाँ गए, दिख नहीं रहे। और कुछ बता रही थी, लकीली तो इस बार एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मेरा हुआ, थर्ड सेमेस्टर में मेरा लाइवलीहुड को लेके हुआ था, जब मैं माजुली गई थी, ब्लॉग्स बनाया था, दिखाया था ना, हाँ, तो वैसे कुछ हुआ था। चलो और कुछ बाकी मुझे मन करे कि आप लोगों से ऐसे बात करते रहो। पीछे कितना हरियाली है दिखा, वाओ, नाइस व्यू। ये तो मुझे ब्लॉग में कैप्चर करना ही चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये स्प्रिंग सीजन में आता है, एक उस तरफ है, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है वहाँ से, शाम को जब ट्यूशन जाऊँगी ना तब दिखाऊँगी मैं आपको। और ये जो पार्ट है ना, इतना सुंदर लगता है, हम लोग के उस खिड़की से मतलब मस्त व्यू आता है इसका, मस्त व्यू, मतलब किचन में आप खाना बनाओ और ये व्यू देखो, पिंक पिंक, मतलब इट लुक्स सो गुड। अभी तो मैंने चश्मा नहीं लगाया है इसीलिए, हाँ, मतलब इतना क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत मस्त है। वो IOCL का गेट दिख रहा है गाइज, ये रहा IOCL का मेन गेट, इसलिए इस जगह को मेन गेट कहते हैं, पता है आपको, वेरी नाइस। कितना सुनसान होता है हमारे यहाँ, मतलब थोड़ा सा भी बंद हो ना तो लगता है कि हर दिन संडे है, तो हर दिन संडे लगता है आजकल, गाड़ी वाड़ी ज़्यादा नहीं जाता है ना, लेकिन फिर भी गाड़ी जाती रहते, साइकिल भी जाती रहते। हाँ, मैं बोल के थकती नहीं हूँ, पता है, नहीं मैं बोल के थकती नहीं हूँ, कभी पर थक जाती हूँ, लेकिन कभी फिर भी बोलते रहती हूँ, इसलिए मुझे बोलना अच्छा लगता है, पर बात किसके साथ करूँ वो भी तो नहीं पता। एनीवे गाइज, सी ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग वाइज जल्दी आएगा, अभी थोड़ा मेहनत और करूँगी बालों का कंडीशन। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मेरे अच्छे बाल दिखेंगे, अच्छे एकदम सुंदर, मेरे पास तो इतना कुछ है बालों का केयर करने के लिए, फिर भी मैंने करती नहीं हूँ, अपने स्ट्रेटनर भी है, कभी यूज़ नहीं करते, स्ट्रेटनर खरीद के फेंक के रखा है, दिल करता कि यूज़ करो, लेकिन क्या मतलब इतनी मेहनत कौन करेगा, तो सजेगा धजेगा कौन, मतलब कभी कभार सजने धजने का बड़ा मन करता है, बहुत मतलब कभी कभार, इट्स लाइक वेरी ऑफन, लेकिन मेरे को ना इतना हमेशा ऐसे, मतलब गाइज ये पिंपल मेरे को आया था ना तब तक गया नहीं है, मतलब इसका स्पॉट ही छोड़ के गया, यहाँ पे भी एक है, फिर तिलों का तो दुकान है मेरे पास, वो तो आपको पता ही है, शायद आपने कभी ब्लॉग में देखा ही होगा। तो सी यू ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, लव यू ऑल। गाइज इवनिंग को ना बिल्कुल ऐसे काम होता है, क्वाइट होता है एकदम, कुछ होता नहीं है, अभी तो 5 बजे हैं, ये वाला तब मस्त लगता है ना देखने में, सनसेट होती है इस तरफ, आई मीन विद दिस व्यू फ्लावर, और ये कोई है मतलब, फिर ये वाला पार्ट में देखो कि नीचे कितना गिरा रहता है, दिख रहा है, ये देखो कितना गिरा रहता है ना, ये देखो इतना सारा, तो यहाँ पे पैर रखो इस तरह, एकदम सुंदर लगता है देखने में, मतलब इट फील्स सो ग्रेट।